हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं टीवीएस मोटर्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 20th सितंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स से दे दी। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले टीवीएस मोटर में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन टीवीएस मोटर जो है 2.25% के नेगेटिव पे जो क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे क्लोजिंग जो दी है वो दी है 533.15 पे। ये जो आज का जो स्टॉक एनालाइज है वो हम लाए हैं हमारे एक सब्सक्राइबर के लिए जिसने हमें कहा था, रिकमेंडेशन की थी कि यहाँ पे जो इसका स्टॉक का एनालाइज करके लाने के, इसकी वजह से यहाँ पे जो हमने आज के दिन जो है टीवीएस मोटर का आज के दिन आपके लिए एनालाइज लाए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे आपको आने वाले दिनों में इसमें क्या देखने मिलने वाला है, साथ ही साथ यहाँ पे कल के लिए आपका क्या रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन हो जाता है और यहाँ पे आपको हमारा एंड में क्या ओपिनियन रहेगा आने वाले दिनों के लिए और खास करके यहाँ पे कल के लिए क्या हमारा ओपिनियन बनता है आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले अपना वनडे का चार्ट। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया, तो यहाँ पे वनडे का चार्ट फिलहाल हमारा क्या बता रहा है उस बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। यहाँ पे फिलहाल सबसे पहले मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की। वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कहूँगा एक एवरेज सा यहाँ पे एक वॉल्यूम है। देख सकते हैं यहाँ पे कोई हाई या लो वॉल्यूम नहीं है, एकदम एवरेज सा वॉल्यूम है यहाँ पे। और यहाँ पे कैंडल जो बनी है वो यहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट बताती है। यहाँ पे याद रखें हमने जो है टीवीएस मोटर का रिसेंटली ही जो है आपको एक वीडियो लाया था जिसमें हमने कहा था कि ये जो है स्टॉक कभी भी 540 के नीचे जो क्लोजिंग दे दे तो यहाँ पे ये जो स्टॉक है वो हमारे लिए जो है नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे आज के दिन जो है ये स्टॉक जो है पूरे का पूरा जो है नेगेटिव हो चुका है, जिसका मतलब यहाँ पे बड़े डाउनसाइड के मोमेंट की जो है यहाँ पे एक संभावना बन रही है जो यहाँ पे कल के दिन भी हो सकती है या फिर जो है परसों। तो जो है आपका 110% मतलब जो है आपको कल के दिन छोड़ के यहाँ पे अगले दिन से जो है आपको बड़ा डाउनसाइड देखने मिल सकता है। ज़रूर जो है इस स्टॉक पे जो है शॉर्ट के लिए मतलब डाउनसाइड के लिए ज़रूर जो है नज़र बना के रखें। यहाँ पे अगर कोई जो है नेगेटिव न्यूज़ आई थी आज के दिन तो ज़रूर हमें जो कमेंट में बताएं, क्योंकि यहाँ पे जो है हम बिल्कुल भी जो है यहाँ पे कोई भी न्यूज़ का या फिर कोई जो है आने वाले रिपोर्ट्स का रिजल्ट्स का कोई भी जो है हम एनालाइज नहीं करते। हम यहाँ पे सीधा सीधा जो चार्ट एनालाइज करते हैं और यहाँ पे हम चाहते हैं कि आप भी जो है चार्ट एनालाइज अच्छे से सीखें। और यहाँ पे जो है इसलिए हम कहते हैं हमेशा जो हमारे जितने भी वीडियोज उसको आप ध्यान से देखें और यहाँ पे जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें। याद रखें हमारा मोटिव वही है कि आप लर्न करें और साथ ही साथ अर्न करें। यहाँ पे आप जितना लर्न करोगे उतना ज़्यादा अर्न कर पाओगे। यहाँ से जो है आप जो है जितना चार्ट एनालाइज सीखोगे उतना जो है आपकी ट्रेडिंग जो है यहाँ पे ज़्यादा 90% से ज़्यादा जो है आपकी यहाँ पे आपको प्रॉफिट ही दिलाएगी। यहाँ पे जो लॉस आपको जो जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि जितना कम लॉस उतना जो है आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो वहाँ पे आपकी बढ़ जाती है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूँगा अभी के अभी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे, जी हाँ एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स के एनालाइज जो है हम लाते हैं एवरी डे और यहाँ पे अपलोड करते हैं। आज भी जो है हमने इसके पहले जो है 3 वीडियोस का जो है अपलोड किया है, तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो मैं कहूँगा अभी के अभी जो है वो हमारे बाकी के 3 वीडियो भी देख ले। ये जो है खास हम अपने सब्सक्राइबर के लिए लाए हैं जिसने रिकमेंडेशन दी थी, यहाँ पे हमारे से रिक्वेस्ट डाली थी कि इसका जो है एक एनालाइज करें, इसकी वजह से हम जो है ये लाए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई भी स्टॉक का जो है हम एनालाइज करके लाएं, तो यहाँ पे जो आप मार्केट आवर्स मतलब मंडे टू फ्राइडे में आप जो है 9 बजे से लेके 3:30 बजे मतलब मार्केट जब ऑन होता है उस दिन जो है आप हमारे कौन से भी लेटेस्ट वीडियो पे जो है कमेंट कर दें कौन से स्टॉक का एनालाइज करना है, हम वो स्टॉक का एनालाइज आपके लिए नेक्स्ट डे के लिए ज़रूर लेकर आएंगे और यहाँ पे जो है अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए अब हम देखते हैं हमारा 1 आवर के चार्ट में हमें क्या देखने मिलता है कल के लिए और यहाँ पे क्या आपका रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन यहाँ पे बनता है और एंड में हमारा क्या ओपिनियन इसमें है। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हमने पुराने वीडियोस जो हमारे टीवीएस मोटर के थे वहाँ पे हमने जो है आपको मार्क करके बताया था कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन। तो आज के दिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ओपनिंग जो है इसकी सपोर्ट जोन, 2 सपोर्ट जोन जो है तोड़कर हुई है जो बहुत ही नेगेटिव हो जाता है स्टॉक, इसकी वजह से यहाँ पे जो है आपको बड़ा एक डाउनसाइड देखने मिला। फिर उसके बाद जो है आपको सेकेंड हाफ में जो है इसमें आपको बाइंग देखने मिली, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 1 आवर की कैंडल जो है आपको ग्रीन देखने मिली है जो बहुत ही यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल क्लोजिंग जो है नेगेटिव रखी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग जो है 540 के नीचे हुई थी, जैसे कि मैंने पहले कहा था
540 के बाद जो है ये स्टॉक एक नेगेटिव हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे जो है मैं सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है वो आपको मार्क करके बता देता हूँ, जो भी यहाँ पे फिलहाल नए बने हैं। फिलहाल यहाँ पे जो है दो यहाँ पे मेजर यहाँ पे सपोर्ट जोन है। यहाँ पे फिलहाल दो कौन से है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे दो जो है, एक पहला 523 का, जिसका आज के दिन जो है इसने सपोर्ट लिया और फिर अपने रेजिस्टेंस जो है इसने सफ़र अपना एक तय किया है। इवन दो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम आया है, काम किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी जो है स्टॉक को जाने नहीं दिया है और फिर उसके नीचे ही जो आज के दिन क्लोजिंग की है। यहाँ पे इवन दो कल के लिए जो है एक हाई चांस बनता है वापस से एक रीटेस्ट करने का, मतलब यहाँ पे अगर 1 डे के चार्ट में आप देखो ये जो है 20 MA का जो है लाइन, इसको जो है रीटेस्ट करने आ सकता है। मतलब 541 तक जो है, मतलब उसको 540 जैसे कि जो नेगेटिव होता है उसको एक बार वापस से टेस्ट करने जा सकता है। और इस बार जब टेस्ट किया और उसके ऊपर नहीं क्लोज कर पाया कल के दिन, तो यहाँ पे आप समझ जाइए कि उसके अगले दिन जो है आपको यहाँ पे नेगेटिव ही नेगेटिव स्टॉक में देखने मिलने वाला है, बड़ा नेगेटिव देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो आप कॉशियसली काम करना, यहाँ पे कल के लिए अगर मैं बात करूँ तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे ऑन द फेस ऑफ इट क्या होता है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये जो है जैसे कि मैंने कहा 540 तक ये जो स्टॉक है कोशिश करेगा यहाँ पे क्रॉस करने की, लेकिन यहाँ पे जो है ईजिली 538 से लेके 533 तक का जो है यहाँ पे एक अपसाइड मूवमेंट ज़रूर आ सकता है। बाकी यहाँ पे 540 को अगर अच्छी तरह से क्रॉस किया तो यहाँ पे 545 तक जो है ये स्टॉक जा सकता है और यहाँ पे उसके बाद जो है रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। क्लोजिंग इसकी जो है आपको देखनी है आने वाले दिनों के लिए, कल के लिए मैं कह दूँ यहाँ पे कल के दिन इसका जो है दिन पॉजिटिव रह सकता है 538 से लेके आपका 545 के बीच में जो ये स्टॉक आपको क्लोजिंग देखने, मतलब यहाँ पे कल के दिन ये स्टॉक जा सकता है। बाकी यहाँ पे जो है क्लोजिंग एंड में कितनी होती है, 540 के ऊपर होती है कि 540 के नीचे होती है, वो आपको ज़रूर देखना है, ताकि यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है वो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो यहाँ पे आप जो है सावधानी से इसमें काम कर सके। 540 के ऊपर हुआ तो यहाँ पे कोई आपको घबराने की बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पे जो है बस आपको इतने ही जो है पोजीशन में जो है ये स्टॉक अपसाइड डाउनसाइड होते हुए देखने मिल सकता है, लेकिन 540 के नीचे हुआ तो यहाँ पे जो स्टॉक है बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएगा। और ओपनिंग ही अगर नेगेटिव हो गई तो यहाँ पे आपको जो है कल के दिन ही जो है आपको बड़ा डाउनसाइड देखने मिल सकता है। तो ज़रूर जो आप कॉशियसली काम करें, सबसे पहले अपना ओपनिंग देख ले, फिर उसके बाद जो है क्लोजिंग क्या हो रही है वो देखें, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है क्रूशल होने वाले। ओपनिंग नेगेटिव हुई तो यहाँ पे पूरा स्टॉक नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ओपनिंग पॉजिटिव हुई तो इसकी क्लोजिंग कैसी होती है आने वाले दिनों के लिए आपको एक जो है आपको इशारा मिल जाएगा कि यहाँ पे स्टॉक में क्या होने वाला है इसकी क्लोजिंग को कल के दिन देखते हुए। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।